जम्मू में बने बस स्टैंड टर्मिनल का आज विधिवत उद्घाटन यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया जाएगा। 213 करोड़ इस पर खर्च किए गए हैं। ये 5 मंजिला इमारत बनाई गई है। इसमें एक साथ 80 बसें खड़ी की जा सकेंगी। बस स्टैंड की पहली और दूसरी और तीसरी मंजिल पर 1317 कारों के साथ 302 व्हीलर्स वाहन पार्क हो सकेंगे। चौथे और पांचवें मंजिल में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। एक जगह पार्किंग की सुविधा मिलने से बीसी रोड, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जीएमसी, रघुनाथ मंदिर, पीरखो जाने वाले वाहन यहां पार्क हो सकेंगे। देखो जी, आज बहुत ही खुशी का दिन और बड़ी मुबारक का दिन है कि वो सालों से तपस्या की थी जो दुकानदारों ने, जो हमने एजुकेशन 7 साल अपना बस अड्डा एक्शन कमेटी के नाम से चलाया, आज उसका जो फल है कि आज आपके सामने पार्किंग का उद्घाटन है। इससे आप काफ़ी हद तक ये खासकर ओल्ड सिटी के ये दुकानदारों को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट आएगा, क्योंकि ये पार्किंग की वजह से ही ये दुकानदारों का कारोबार बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ पे कम से कम भी जो छोटी बड़ी गाड़ी डाल के 1700+ गाड़ियों का यहाँ पे पार्किंग स्थल बना है। तो अब ये बाहर से जितनी टूरिस्ट गाड़ी आती थी वो यहाँ पे गाड़ी बस अड्डा या पार्किंग नहीं होने की वजह से गाड़ी नहीं लग पाती थी। अब यहाँ पे वो गाड़ी लगेगी और टूरिस्ट जो है मंदिर के दर्शन करने जाएंगे और बाजार में शॉपिंग करेंगे। ये एक बहुत बड़ा आई गवर्नमेंट, मैं खासकर एलजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने आते ही इसको बड़ी तेजी से एक्शन में ला के इसका काम कंप्लीट करवाया। और इससे हमारा खासकर ये ओल्ड सिटी जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, जिसमें कारोबार की बहुत कमी थी, खासकर जो बाहर से यात्रियों के अलावा जो हमारे होलसेल व्यापारी भी आते थे वो वहाँ पे गाड़ी की नहीं लगने की वजह से काफ़ी दिक्कत की वजह से यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। अब ये बस अड्डा बनने की वजह से और जो सबसे बड़ी बात, जहाँ से जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पे इंटरस्टेट गाड़ियाँ जो थी वो भी अब यहाँ पे अपनी ड्रॉपिंग और यहाँ से सवारी उठाएंगी और यहाँ पे सवारी छोड़ेंगी, उससे भी ये बाजार को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये एक पार्किंग नहीं है, ये एक सपना है जो कि आज से 5 साल पहले दुकानदार भाइयों ने देखा था जब ये पार्किंग का काम शुरू हुआ। क्योंकि जब ये बस स्टैंड यहाँ से हट गया और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो था वो दुकानदार भाइयों को पड़ा, क्योंकि जितना भी बाहर से टूरिस्ट आता है या जितने भी लोग बाहर से आते हैं इस मार्केट में परचेजिंग करने के लिए, उनका आना जाना बंद हो गया। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये पार्किंग बन गई है, इसका आज उद्घाटन है और इससे जो बेनिफिट है मेनली टूरिस्ट को मिलेगा। जो लोग पहले माता वैष्णो देवी पे आते थे, उनका दिल करता था रघुनाथ मंदिर घूमने का, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाते थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे व्यापार का जो स्तर है वो बढ़ेगा, और जिस तरह से हमने देखा पिछले 5-6 साल में व्यापार दिन ब दिन डाउन जा रहा है, अभी कोरोना आ गया, उससे पहले पुलवामा कांड हुआ, तो अब ये पार्किंग बनने से एक जख्म पे मरहम लगेगा और आने वाला टाइम जो है व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा होगा। जम्मू से द अर्थ न्यूज के लिए सेवाराम की रिपोर्ट।